नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क और मैं आपके साथ बोनी। दर्शकों, अब तक की एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है, जो कि है श्री माता वैष्णो देवी धाम से और इसके साथ साथ शिव खोड़ी से जुड़ी हुई। आपको बता दें, काफ़ी समय से श्रद्धालु जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते थे और शिव खोड़ी जाकर दर्शन करना चाहते थे, वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई हैं वो कब खोली जाएंगी, कब उनको एक बार फिर से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है दर्शकों, आपको बता दें, माता वैष्णो देवी धाम को लेकर और शिवखोड़ी को लेकर एक नई गाइडलाइन जो है वो इश्यू कर गई है। मैं आपको बता दूँ क्या है पूरी गाइडलाइंस और कैसे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी और क्या क्या फैसिलिटी जो है अब आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मैं आपको बता दूँ, ये जो नई गाइडलाइंस इशू की गई हैं, ये की गई हैं डीसी चरणदीप सिंह जी की तरफ से। और मैं आपको बता दूं, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो वीकली रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं इम्पोज की गई हैं जम्मू कश्मीर में, 2 बजे से लेके फ्राइडे 2 बजे से मंडे सुबह 6 बजे तक, वो रिस्ट्रिक्शन जो है जितने भी श्रद्धालु जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं, शिवखोड़ी जाना चाहते हैं, शिवखोड़ी धाम जाना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई भी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो नहीं लगाई गई हैं। यानी कि आप जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं, शिवखोड़ी धाम जाना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई भी जो कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो नहीं लगाई गई। इसी के साथ साथ आपको बता दें दर्शकों, एक चीज़ जो है वो कंपलसरी मैंडेटरी रखी गई है, जितने भी श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं, शिवखोड़ी धाम जाना चाहते हैं, उनके लिए खास जो है रखा गया है कोविड की जो नेगेटिव आपकी रिपोर्ट है, जो टेस्ट रिपोर्ट है वो आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा कोई भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो नहीं लगाए गए। यानी कि जितने भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं, शिवखोड़ी धाम जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। उनके लिए बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आ रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी शॉप्स के ऊपर, वो भी शॉप्स जो है वो अब ओपन रहेंगी पूरे डिस्ट्रिक्ट में। इसी के साथ साथ आपको बता दें, जो कटरे में ढाबाज हैं, टी स्टॉल्स हैं, होटल्स हैं, बेस कैंप कटरा में है, रनसू में है, वो भी जो है ओपन रहेंगे। आपको बता दें, फ्रॉम 6 AM to 11 PM और सो दैट पैसेंजर डू नॉट फेस एनी ट्रबल। आपको बता दें, वहाँ पे जो आपको चीज़ें जो शॉप थी छोटी मोटी, जो श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, काफ़ी जो चीज़ें वहाँ पे स्टॉल्स लगे, खाना खाने के लिए ढाबे होते हैं, छोटे छोटे ढाबे लगाए होते हैं, टी स्टॉल्स लगाए रहते हैं, वो भी अब आपको ओपन मिलेंगे। वो इसलिए निकाला गया कि जितने भी श्रद्धालु वहाँ जाएँ उन्हें किसी तरह की जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। यानी कि अगर आप अभी माता वैष्णो देवी जाना चाहते हो तो आप जा सकते हैं, शिवखोड़ी धाम आप जाना चाहते हो तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी फैसिलिटी जो है दी गई है। लेकिन एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है दर्शकों, आपके पास कोविड की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो आपके पास होना ज़रूरी है, ये एक मैंडेटरी जो है वो रखी गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, जो नाइट कर्फ्यू है वो कंटिन्यू रहेगा डिस्ट्रिक्ट में 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक डेली। और इसी के साथ साथ जो डीसी चरणदीप सिंह जी की तरफ से ऑर्डर आया उसके अकॉर्डिंग आपको बता दें, ऑन फ्राइडे द मार्केट्स रिमेन कम्प्लीटली ओपनड ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल शॉपकीपर्स। यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी मार्केट के ऊपर वो अब नहीं रहेगी, मार्केट पूरी खुली रहेगी और जो शॉपकीपर्स हैं वो भी वहाँ कटरा में जो है वो खुले रहेंगे। यानी कि अगर आप वहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, शिवखोड़ी धाम दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो आपको कोई भी ट्रबल जो है वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। जो ढाबा है अगर आप खाना चाहते हैं वो भी ओपन रहेंगे, लोकल जो टी स्टॉल है वो भी ओपन रहेंगे। दर्शकों, कुछ लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता वैष्णो देवी धाम को लेकर और शिवखोड़ी धाम को लेकर बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आ रही है। जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी वो अब इम्पोज कर दी गई हैं। यानी कि जितने भी श्रद्धालु जो काफ़ी समय से माता वैष्णो देवी धाम और शिवखोड़ी धाम जाना चाहते थे, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आ रही है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो अब नहीं रहेगी। यानी कि आप टेंशन फ्री होकर जो है माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन कर सकते हैं और इसके साथ शिवखोड़ी जाकर भी आप दर्शन कर सकते हैं। बस इसका एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है दर्शकों, आपके पास कोविड की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो होना कंपलसरी है।
और जो शॉप्स हैं वहाँ कटरा में, जो कटरा बेस कैंप के जो ढाबेज हैं, टी स्टॉल्स हैं, होटल्स हैं, वो भी जो है आपको ओपन मिलेंगे, यानी कि किसी भी चीज़ की आपको असुविधा का वहाँ पे सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं बोनी आपसे विदा लेता हूँ, जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ, नमस्कार।